गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स टुडे, पेज नंबर 5। अ वॉल दैट विल नॉट फेल। वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद अ ब्रिक एंड मेकिंग देयर वॉल्स, ईच मेक अ डिफरेंट वॉल। एक दिन मुनिया और जैनब वॉल बना रहे थे, खेल रहे थे ब्रिक से, और उन्होंने अपनी अपनी वॉल बनाई। जैनब से हियर वॉल विल नॉट बी फेल, जैनब ने कहा कि ये वॉल गिरेगी नहीं। मिशन टू डू नॉट पुट द ब्रिक्स ऑन वन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज़ डन। मिशन यानि जो कि कड़िया काम करता है, वॉल्स बनाता है, उसने कहा कि इस तरीके से एक के ऊपर एक ईंटें न रखें, नहीं तो वह वॉल गिर जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, कौन सी वॉल, इन दोनों वॉल में से कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर होगी। जैनब वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, यस जैनब वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट इज़ नॉट पुट ऑन ईच अदर। लुक फॉर वॉल्स वेर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न्स, आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हो जहाँ पे डिफरेंट वॉल पैटर्न्स बनाई गई है। हियर आर द फोटोज ऑफ थ्री काइंड ऑफ ब्रिक वॉल्स, कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक ऑफ प्लेस्ड। यहाँ पर डिफरेंट वॉल पैटर्न्स है और किस तरीके से प्लेस की हुई है, आप यू कैन सी। Then, now, match the photos of each wall with the correct drawing below. यहाँ पर नीचे drawing दी गई है इन्हीं wall patterns की, you have to match. First, photo में आप देख रहे हो कि एक बड़ी ईंट है, उसके बाद small size ईंट है, then again big brick, small brick, तो we have matched this. यहाँ पर भी small size brick लगी हुई है, इसलिए first we match this. सेकेंड वाली मैच, फर्स्ट ब्रिक इज़ बिग बट सेकेंड स्मॉल बिग ब्रिक का साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हियर वी हैव मैच फ्रॉम दिस, दिस इज़ मैच ऑफ दिस पिक्चर। नेक्स्ट यहाँ पर है टू स्मॉल ब्रिक्स, अगेन टू स्मॉल ब्रिक्स, सेकेंड लाइन वन ब्रिक, बिग ब्रिक, देन टू स्मॉल, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी बड़ी ब्रिक्स पहले लगाइए, फिर स्मॉल 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 ब्रिक्स है, तो इस पिक्चर से ये पिक्चर मैच होगा। नेक्स्ट पेज 6। लुकिंग थ्रू आउट द ब्रिक्स ऑफ जाली, द मिशन ऑफ बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑफ द वॉल। जो जागृति स्कूल के मिशंस थे, उन्होंने एक इस बिल्डिंग में ब्यूटीफुल जाली पैटर्न बनाया है। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दिस टू फोटोज़, इन टू फोटोज़ में हाउ मेनी जाली पैटर्न्स आर देयर, वन, दिस इज सेम, इसलिए हम इन दोनों को वन काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, वी हैव राइट फाइव हियर जाली पैटर्न्स। Page 7, there is a drawing of the another different jali pattern. यहाँ पर आप देख रहे हो another different jali pattern है. Now, color some brick red, make your own jali pattern in the wall drawn below. यहाँ पर एक wall दी गई है, इसमें red color से आपको अपने own jali pattern बनाना है for homework. Next question, can you see the window jharoka in the photo of the school? यहाँ पे एक स्कूल का झरोका दिया है, विंडो दी है, वह आपको नाउ ड्रॉ झरोका। अब इस रेड पैटर्न में आपको झरोका ड्रॉ करना है, यू कैन शेड इट ब्लैक, आप इसे ब्लैक में शेड करोगे, यू कैन शेड इट विथ अ पेंसिल, इट विल बिकम अ ब्लैक कलर। पेज 8, दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी ऑफ बिल्डिंग केरला, केरला की एक लाइब्रेरी है, वहाँ बिल्डिंग में इस जाली पैटर्न, यू कैन सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक इज़ यूज टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल। यहाँ पे
ट्रायंगल से जाली पैटर्न बनाया है और यह ट्रायंगल एज के रूप में बाहर आया हुआ है. यू कैन सी द ट्रायंगल वॉल्स आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग एंड इससे ब्यूटीफुल जाली पैटर्न बना हुआ है. यू कैन से दिस वी कैन ड्रॉ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल ऐसे बनता है और इस बिल्डिंग में भी ट्रायंगल इस तरीके से बाहर की ओर आ रहा है और एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है. हैव यू सी ब्रिक्स दैट लुक लाइक अ ट्रायंगल्स. लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन द फोटो. आपने कभी ट्री के सराउंड में भी ऐसा पैटर्न देखा होगा जो को ट्री को आजू बाजू से कवर करने के लिए बनता है. तो हियर यू कैन सी अ ट्रायंगल हियर. नेक्स्ट डू यू सी द आर्च इन अ फोटो. दिस इज फॉर्म ऑफ अ स्कूल फैजाबाद. फैजाबाद में एक स्कूल का है जिसमें यह आर्च है. व्हाट इज दिस. दिस इज अ आर्च. फाइंड आउट लुक ऑफ लुक फॉर अदर आर्च अराउंड एंड ड्रॉ देम. और भी आपने कहीं आर्च देखे हो तो यू कैन ड्रॉ इट हियर. पेज 9. हैव यू सीन आर्च इन अ ब्रिज. वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च. आपने कभी ब्रिज में आर्च देखा होगा. यहाँ से व्हीकल्स जाते हैं. ब्रिज इस तरीके से आर्च होता है, कर्व होता है. तो यहाँ पर आपको अपना जहाँ भी आपने आर्च देखे हो उस जगह का नाम या बिल्डिंग का नाम आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो. दिस इज़ फॉर ऑल्सो योर होमवर्क. अ स्पेशल आर्च द फोटो ऑफ द फोटो ऑफ द ओर्चा. सी हाउ द आर्च इज मेड. इट हैज़ अ नाइस नेम घूंघट वाली मेहराब. घूंघट वाली मेहराब द आर्च विद अ वॉल वेल. यहाँ पे वेल बनी हुई है. दस दिस इज अ घूंघट वाली मेहराब इन अ ओर्चा. इट इज़ अ जाली ऑफ अ विंडो. ब्यूटिफुल. इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स. यह जाली है. विंडो बनाई गई है और इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल. हाउ हैव यू सीन इन द इन थिन ब्रिक्स. आप और ये जो बिल्डिंग है थिन ब्रिक्स से बनी है, पतली सी. लुक अराउंड. और ऐसी ही कोई बिल्डिंग आपने देखी हो तो उसे भी आप क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो. पेज 10. जमाल एंड कालू वॉज मिशंस ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर ग्रैंडफादर यूज्ड मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स. सम ऑफ दीज आर शोन इन द पिक्चर. जमाल और कालू जो कि जागृति स्कूल के मिशंस थे, उन्होंने कहा कि उनके ग्रैंडफादर भी इस तरीके से काम करते थे और उन्होंने पहले पतली पतली ईंटों से भी काम किया है. विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव यू हैव कर्व एज. अब इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि कुछ ब्रिक्स के ऊपर कर्व है. कर्व मतलब इस तरीके से कर्व आता है, दिस कर्व. तो देखो इस पिक्चर में ये वाली जो ब्रिक है इस पे कर्व है, यहाँ कर्व है. सम कर्व्स आर हियर आल्सो यू कैन सी. हाउ मेनी फेसेस डू यू सी द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स. सबसे बड़ी ब्रिक के ऊपर आप कितना फेस देख पा रहे हो. तो ये है सबसे बड़ी ब्रिक. तो यू कैन सी द वन फेस. इज देयर इज एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन सिक्स फेसेस. कोई ऐसी ब्रिक है जिसमें सिक्स फेसेस के अलावा ज़्यादा फेसेस होते हैं. नो ब्रिक हैज़ ओनली सिक्स फेसेस. तो यू हैव टू आंसर इट नो. फाइंड आउट द साइज ऑफ ब्रिक. यू हैव टू फाइंड द साइज ऑफ ब्रिक. आपको एक ब्रिक लेनी होगी जिसको आपको मेजर करना होगा. हैव यू सीन ब्रिक डिफरेंट साइजेस एंड व्हेन यू हैव सीन डिफरेंट साइजेस ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट. हाउ लॉन्ग इट इज़ यानि उसकी लेंथ लेनी है. हाउ विड इट इज़ यानि उसकी ब्रेथ लेनी है. और हाउ हाइट इट इज़. ठीक है. लॉन्ग में आपको इस पोर्शन को मेजर करना है. ठीक है. ब्रेथ में इस पोर्शन को मेजर करना है.
एंड हाइट, हाइट में इस पोर्शन को मेजर करना है। ओके, मुनिया वॉन्ट टू मेक अ वॉल 1 meter लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। मुनिया को एक वॉल बनानी है 1 meter की, तो 1 meter में आप जितनी बड़ी ईंटें लोगे या ब्रिक लोगे तो 1 meter में कितनी ब्रिक्स का यूज़ होगा, यह आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। अब यहाँ पे हम ब्रिक्स के बारे में कुछ डिस्कवर करेंगे। गणेश एंड शिबा हैव नियर अ क्लीन वेयर ब्रिक्स आर मेड। वो एक जगह पे है जहाँ पर भट्टी है। क्लीन यानि जहाँ भट्टी होती है, भट्टी यानि जहाँ पर ब्रिक्स बनती है। कैन यू गेस हाउ ह्यूज इज द चिमनी हियर इज इट। यहाँ पे आप गेस कर सकते हो कि ये चिमनी कितनी बड़ी हो सकती है। अबाउट 15 meters, अबाउट 5 meters, 15 meters या अबाउट 50 meters। यू कैन गेस हियर, यानी आप अपने मन से सोच सकते हो कि ये चिमनी कितनी बड़ी है। यू हैव टू आंसर बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 11। गणेश एंड शाइबा लिव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लाइन केप्ट आउट ऑफ द ड्राई। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। वो लोग एक जगह रहते हैं जहाँ से ब्रिक का जो काम हो रहा है वो दिखाई देता है, और उसके अलग अलग पैटर्न्स में रखे जाना भी वो देखते हैं। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक क्लीन। यहाँ क्लीन में यानी कि जहाँ भट्टी लगी हुई है, जहाँ पे यह काम हो रहा है। दिस पिक्चर्स आर जम्बल अप, लुक एट देम केयरफुली। ये पिक्चर्स को जम्बल अप कर दिया गया है। लुक एट देम केयरफुली एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या होगा, जहाँ पर भी भट्टी होगी तो सबसे पहले क्या होगा, ज़मीन को डिग किया जाएगा, वहाँ से मिट्टी निकाली जाएगी, पानी में या फिर वाटर, पानी या आप कहते हो वाटर में उसे मिक्स किया जाएगा। देन इट पुट इट इन द दिस मोल्ड। ये मोल्ड थोड़ा पतले साइज का होता है। इस मोल्ड में यह आदमी मिट्टी को डाल रहा है, सांचे में डाल रहा है उसको ब्रिक का शेप देने के लिए। देन उसे सन में सुखाया जाता है शेप देने के बाद में, एंड इट विल मेक द फाइनल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को लास्ट में इस तरीके की चिमनी में अंदर रख के गर्म किया जाता है और ब्रिक्स बनाई जाती है। तो यू हैव टू अरेंज सी डी बी एंड ए। यहाँ पे सी डी बी एंड ए यू हैव टू राइट द आंसर। हाउ डू यू थिंक द ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। डग फ्रॉम द अर्थ। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन द ग्रुप। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द स्टोरी हाउ द ब्रिक्स आर मेड। पेज नंबर 12। हैव यू सीन अ ब्रिक क्लीन, डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ द ब्रिक्स केप्ट देयर। कभी आपने भट्टी देखी है जहाँ पे ईंटें बनती हैं। देर आर मैनी ब्रिक्स किल्स इन इंडिया, थाउजेंड ऑफ देयर मोर देन 1000। कैन यू इमेजिन हाउ दिस नंबर इज। द नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इन 1 lakh। कैन यू ट्राई टू राइट इट, आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हर्ड ऑफ लैक। देर आर मैनी ब्रिक्स किल्स इन इंडिया। बहुत सारी भट्टियाँ हैं इंडिया में ब्रिक की, जो कि थाउजेंड ऑफ देम या फिर हज़ारों में मोर देन 100,000 यानी 100,000 ब्रिक किल्स इंडिया में है। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज़। यानी आप सोच सकते हो कि 100,000 यानी दिस नंबर इज़ ऑल्सो नोन एज 1 lakh। 1 lakh में यह हमारे इंडिया में ब्रिक किल्स है, बहुत सारी थाउजेंड ऑफ 1 lakh
100,000 is 1 lakh. इतनी भट्टियाँ हमारे इंडिया में हैं. कैन यू ट्राई टू राइट इट? आप इसे राइट कैसे राइट करोगे? आस्क योर फ्रेंड वेयर देर इज देर यू हैव वेयर देर यू हैव हर्ड ऑफ द ऑफ अ लैक. आपने लैक को किया के बारे में सुना है. हाउ यू राइट द लैक? लैक को कैसे लिखेंगे या 100,000 को कैसे लिखेंगे? 100,000 को लिखेंगे 100 एंड 000. यू हैव टू राइट 100,000. दिस 100,000 या फिर इसी को कहते हैं 1 lakh. नेक्स्ट, फाइंड आउट, लुक एट दिस पिक्चर एंड गस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड दिस ट्रक. सोचो कि इस ट्रक में कितनी ईटे कैरी की जा सकती है. ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन द वन ट्रक. और आप अपने किसी ट्रक ड्राइवर, अगर आपका कोई पहचान का हो, तो भी आप पूछ सकते हो कि एक ट्रक में कितनी ईटे जा सकती है. आई हैव फिगर आउट दैट 3,000 to 4,000 ब्रिक्स कैन बी कैरीड इन अ वन ट्रक. मेंटल मैथ. भजन बाइज ब्रिक्स. भजन नाम का लड़का है जो ब्रिक्स बाय कर रहा है. भजन वॉन्ट टू बाय ब्रिक्स. द प्राइस ऑफ गिवन ऑफ 1,000 ब्रिक्स. द प्राइस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स. 1,000 ब्रिक्स की प्राइस दी गई है और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स की भी यहाँ पर प्राइस दी गई है. यू हैव टू सॉल्व इट मेंटल मैथ्स. इसे लिख के सॉल्व नहीं करना है. ओल्ड ब्रिक की प्राइस है 12,000 फॉर 1,000 ब्रिक. 1,000 ब्रिक की प्राइस है 1,200 रुपीज़. देन न्यू ब्रिक फ्रॉम इटापुर इज 1,800 फॉर 1,000. देन न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिक बोर्ड 2,000 रुपीज़. भजन डिसाइडेड टू बाय दिस न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. ही बॉट 3,000 ब्रिक्स. हाउ मच डिड ही पे? तो ब्रिकाबाद से उसने ही बॉट 3,000 ब्रिक्स. यानी 1,000 ब्रिक्स की कीमत है 2,000 रुपीज़. तो उसने ही बॉट 3,000 ब्रिक्स. तो उन्हें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे देने पड़ेंगे 6,000 रुपीज़. गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स. तो अगर वह 500 ओल्ड ब्रिक्स बॉट करता है, खरीदता है, तो उसे कितने पैसे देने होंगे? तो यहाँ पर ओल्ड ब्रिक की रेट है 1,200 रुपीज़. तो यू हैव टू डिवाइड विथ 2 एंड यू गॉट द 600 रुपीज़. ओके स्टूडेंट, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर टुडे.